हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों, टाटा केमिकल्स लिमिटेड का क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स आ गया है और ये पीडीएफ में ओपन किया हुआ हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर विच एंडेड इन 30 सितंबर 2021 एंड कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर थ्री ऑफ लास्ट ईयर 2020। तो अभी देख लेते हैं। देखिए, रेवेन्यू के टर्म्स में जो है टोटल इनकम 3180 इस बार का है, 3180, और पिछले बार से अगर कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से तो थोड़ा इंक्रीज है। ओके, और ये सारी जो फिगर है ये करोड़्स में है। सो 3180.66 करोड़ है और 3079 करोड़ पिछले क्वार्टर का था और लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर का 2648.78 करोड़ था। तो इस दोनों के कंपेयर में इस बार का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर और देख ले, एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, कंपेरेबल है। जैसे इस बार का जो एक्सपेंसेस है 2868 है और प्रीवियस क्वार्टर टू में इट इज़ 2805.49 और क्वार्टर थ्री लास्ट ईयर का 2400.45 करोड़। तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद अभी देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 406 करोड़, 319 प्रीवियस क्वार्टर का, 254 लास्ट ईयर का थर्ड क्वार्टर से। तो इस बार भी अच्छा है। और जो प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स जो है वो है 340 करोड़, तो काफ़ी अच्छा नंबर है और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा है। 247.58 था पिछले क्वार्टर का और लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से 200, सो करीब प्रॉफिट जो है 140 करोड़ ज़्यादा है। तो अच्छी खबर है निवेशकों के लिए, गुड न्यूज़ है, और इसमें होल्ड बनाए रखना चाहिए मेरे समझ से। और जो भी इसमें निवेश किए हुए हैं, काफ़ी दिन से देखा जा रहा है कि 900-950 इसी रेंज में ये शेयर ट्रेड कर रहा है, मगर थोड़ा सा वेट किया जाए तो जो रिज़ल्ट अच्छा आया है इसका जो असर है वो शेयर में ज़रूर देखने को मिल सकता है, ऐसा मैं अनुमान लगा लेता हूं। बाकी दोस्तों, शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉस दोनों होने की संभावना होती है, इसलिए अपने एनालिसिस अपने समझ से ही निवेश करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।